भारत दौरे की शुरुआत हो रही है। बांग्लादेश टीम पहले 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी। इस प्रारूप में पूरा पलड़ा भारत की ओर झुका हुआ है। दोनों टीमों के बीच 8 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं और हर बार टीम इंडिया ने ही जीत हासिल की है। आइए इस सीरीज से पहले आपको बताते हैं दोनों देशों के बीच हुए 5 यादगार मुकाबलों के बारे में। 2004 ढाका, इस मैच में बांग्लादेश ने भारत को पहली बार हराया था। इस मैच में बांग्लादेश ने भारत के सामने जीत के लिए 229 रनों का लक्ष्य रखा था। उसके गेंदबाजों ने भारतीय टीम पर लगातार दबाव बनाए रखा और भारत इस मैच को 16 रन से हार गया था। तब बांग्लादेश की टीम को कमजोर समझकर भारत ने सचिन और द्रविड़ को आराम दिया था, जो भारतीय टीम पर भारी पड़ गया था। 2007 पोर्ट ऑफ स्पेन विश्व कप में बांग्लादेश के हाथों ये हार भारतीय फैंस को आज भी खलती है। एक गीले विकेट पर बैटिंग करने का भारत का फैसला गलत साबित हुआ और इस मैच में पूरी भारत की टीम केवल 191 रनों पर सिमट गई। जवाब में बांग्लादेश की ओर से मुशफिकुर रहीम, तमीम इकबाल और शाकिब अल हसन ने हाफ सेंचुरी लगाई। नतीजा, बांग्लादेश ने मैच को आसानी से जीत लिया। 2015 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, इस मैच में भारत ने बांग्लादेश को 109 रनों से हराकर साल 2015 के विश्व कप में जगह बनाई थी। इस मैच में रोहित शर्मा के कैच को लेकर काफी विवाद हुआ था। इस मैच में भारत ने 302 का स्कोर खड़ा किया। इसके बाद भारतीय तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और बांग्लादेश को 193 रनों पर समेट दिया था। 2016 बेंगलुरु T20, ये दोनों टीमों के बीच एक और कड़ा मुकाबला था। मैच में बांग्लादेश काफी मजबूत नजर आ रही थी। मैच में ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश टीम जीत जाएगी, लेकिन आखिरी ओवर में खेल नाटकीय अंदाज से बदला। बांग्लादेश को आखिरी ओवर में जीत के लिए 11 रन बनाने थे। भारत ने मुकाबला 1 रन से जीता था। 2018 कोलंबो T20, इस निदाहास ट्रॉफी के लिए कप्तान विराट कोहली को आराम दिया गया था। रोहित शर्मा की कम अनुभव वाली टीम को इसके बावजूद इस T20 ट्रॉफी में फेवरेट माना जा रहा था। T20 इंटरनेशनल के फाइनल में रोमांच चरम पर था। बांग्लादेश ने 168 रन बनाए। भारत की ओर से युजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर ने प्रभावी खेल दिखाया। भारत को जीत के लिए 12 गेंदों पर 34 रन चाहिए थे। लग रहा था कि बांग्लादेश इस मुकाबले को जीत लेगा, लेकिन यहां बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक, उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी। कार्तिक ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारत को अविश्वसनीय जीत दिला दी। इस मैच में कार्तिक ने 8 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेली। ये एक ऐसी जीत थी जिसे भारतीय प्रशंसक लंबे समय तक याद रखेंगे।